वेलकम टू माई नस व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने चावल जो है एक गिलास चावल लेकर और उसको बॉईल कर लिया था, और बंद गोभी ली है मैंने एक दरमियाने साइज़ की, उसको भी कटिंग कर लिया। शिमला मिर्च को मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। दो अंडे हैं, काली मिर्च एक टेबल स्पून है, और चिकन पाउडर है एक टेबल स्पून, और सादा सॉल्ट है वो मैं चावल के हिसाब से जो इसमें शामिल करूँगी, तो हाफ टेबल स्पून जो है नमक शामिल करूँगी। और लहसुन लिए हैं मैंने दो जवे, उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एग फ्राइड राइस में। और सिरका लिया है और सोया सॉस लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडों को मैंने बॉल में निकाल लिया है और इसके अंदर मैं बिल्कुल बस एक चुटकी से भी कम जो है ये जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ, बस कलर के लिए, ज़रा कलरफुल अच्छे लगेंगे राइस। और इसको मैं फेंट लूँगी, और फेंटने के बाद जो है फिर मैं इसमें तीन टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी चावलों को जब इसमें फ्राई करूँगी। तो ये देखें इस तरह से फेंटना है, और कलर देखें कितना अच्छा हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो फ्राई जब राइस बनाते हैं फ्राई तो बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल राइस होते हैं। अंडा जो है वो येलो कलर का, ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है, और वाइट कलर की बंद गोभी है, तो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए अंडा जो है वो फेंट गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है मैंने फ्लेम खोल दिया है, बिल्कुल हल्की आँच है। तीन टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करूँगी, ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं होगा, बस इतना, थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर अंडा इसमें फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब मैं इसमें अंडा शामिल कर रही हूँ, इस तरह से फैला के अंडा शामिल कर देंगे। जितना भी प्याली में लगा है उसको साफ कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे पीस करके, इस तरह से पलटने के बाद, और इस तरह पीस कर लेंगे छोटे छोटे से, ताकि जब हम राइस में शामिल करें। अंडा फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए इस तरह से निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। दो टेबल स्पून फिर मैंने इसमें और ऑयल शामिल किया है। अब इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी और हल्का सा इसको सौते करूँगी। अब सब सब्ज़ी शामिल कर देंगे, सारी सब्ज़ी को शामिल करना है और हल्का सा सौते करना है लहसुन को, ज़्यादा नहीं करना। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मज़े का लगता है एग फ्राइड राइस में। बस एक सेकेंड इसको हम जो है मिक्स करेंगे। अब इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च एक चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे, और चिकन पाउडर एक चम्मच, ये देखें एक टेबल स्पून, और थोड़ा सा नमक अभी मैं शामिल करूँगी। बस इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें राइस शामिल कर देंगे, सारे राइस को इस तरह से शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इस तरह। सारे राइस और वेजिटेबल्स जो है मैंने मिक्स कर लिया है। आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा शामिल कर लें, और अभी सीज़न है गाजर का था नहीं अच्छा, तो बहुत अजीब सी पीली पीली सी गाजरें थी, तो इसलिए मैं गाजर नहीं लेकर आई, गोभी और शिमला मिर्च लेकर आई हूँ। अगर आपको और आपके बच्चों को शिमला मिर्च गोभी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा गोभी ऐड कर लीजिएगा। अंडा मैंने शामिल कर दिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि हमारे तमाम राइस में शामिल हो जाए, और इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूँगी एक टेबल स्पून भर के बस, और हाफ टेबल स्पून जो है मैं विनेगर, वाइट विनेगर शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हाफ टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लूँगी, फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लूँगी, और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करके और दम पर लगा दूँगी। 5 से 7 मिनट दम पर लगा कर फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी।
मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हैं, बहुत ही अच्छे मज़ेदार बने हैं और झटपट बन जाते हैं 10 मिनट में। माशाल्लाह ये तैयार हो जाते हैं। अंडा घर पे मौजूद होता है, चावल भी होते हैं और मोस्टली जो है घर पर शिमला मिर्च और गोभी भी होती हैं। तो जब भी बच्चों को दिल करे एग फ्राइड राइस का तो फ़ौरन झटपट से फ़ौरन बनाकर आप दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छे मज़ेदार बने हैं, कम बजट में बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी रेसिपी आपको। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I'm not the one who's running out of time.